ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, बस मेरी यही दुआ है। अगर जीवन में अभी वर्तमान में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, या कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में कोई प्रश्न हो या कोई तनाव या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल रहे हैं। व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसका फीस है दोस्तों, फीस पे करके आप बात कर सकते हैं। अक्सर मुझे आप ये कमेंट्स करते रहते हैं कि पंडित जी, कौन सी राशि के जातक हमारी राशि के सच्चे जीवन साथी है, या कौन व्यक्ति हमारा सच्चा जीवन साथी है। इस विषय को लेकर मुझे हमेशा बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। और अगर आपकी भी ये डिमांड है, या आप भी चाहते हैं कि सच्चा जीवन साथी जो है हमारे लिए कौन है, उसके क्या क्या चीज़ें, हम उस पर इस पूरे वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों, अक्सर होता ऐसा है कि हम व्यक्ति के चेहरे देखकर उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, कई बार गुण देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, और कई बार कुछ मजबूरियाँ होती है जो हमें आगे ले जाती हैं। तो कई सारी सिचुएशनों से बंधा हुआ मानव एक प्राणी है, और उसे इस स्थिति में कैसे एक सही निर्णय ले, यह बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले एक निवेदन है मेरा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला संकेत है एक अच्छे जीवन साथी का, वो है दोस्तों उसके गुण। व्यक्ति की खूबसूरती थोड़ी देर के लिए आपको मोहित कर सकती है, पर उसके गुण जो है आपको लॉन्ग लाइफ तक आपके जीवन में जीवित रख सकते हैं। उसकी सकारात्मकता, उसके गुण, उसकी अच्छाई, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक अच्छे जीवन साथी में उसके गुणों को महत्व दिया जाए, न कि उसकी शक्ल को, न कि उसके चेहरे को, न कि उसके रूप को, न कि उसके रंग को। ये बात महत्वपूर्ण रूप से गांठ बांध लें। दूसरे, वो लोग जिसमें फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। खासकर मैं अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए मुझे ये बात कहना पड़ती है। बहुत सारे पुरुषों को ऐसा है, ऐसी मानसिकता है कि यहाँ आप क्यों गए, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है। तो जो एक बंदिश है, देखिए पूछना अलग विषय और बंदिशों में जमीन आसमान का अंतर। तो जहाँ भी सच्चा जीवन साथी होगा, वहाँ स्वतंत्रता होगी, वहाँ फ्रीडम होगा, और यही एक बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा है विश्वास, शक का न होना। शक जीवन का नाश है, और शक की दवा दुनिया में नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आप बात करते हैं राशिगत्ता पे। राशिगत होने पर दोस्तों होता ऐसा है कि कई बार जातकों को सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है। इसलिए जब भी जो भी जीवन साथी हैं जिनके साथ हम जीवन बसर करना चाहते हैं, उनसे हम कुछ वक्त लें, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग को समझें। अगर आपकी वाकई में राशि पॉजिटिव होगी, तो स्वतः ही आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत सही जमेगी। मतलब ये लिंक से थोड़ी हटकर बात कर रहा हूँ।